डियर स्टूडेंट्स, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अब इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन भी हमारे पास किसके अंदर आ जाता है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं हम। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? 16 न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो एंड माइक्रो के अंदर जो डिवाइड किया गया था, और न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो हमारे लास्ट वीडियो के अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो हमने जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर बताया था, जो हमने चीज़ें बताई थी कि हमें क्या क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट था, जो हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड हमारे पास में क्या था बेटा? क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर इरिगेशन था, ठीक है। थर्ड हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हैं। और चौथा हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा सेकेंड टॉपिक जो आएगा, इसका पार्ट आएगा, वो क्या आएगा? इरिगेशन आएगा। आपको सबको पता है इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना। मतलब हम देखो, एक तो हम प्लांट्स को नॉर्मल वाटर, जैसे हम हमारे घर में पॉट्स लगा रहे हैं, गमले लगा रहे हैं, उस गमलों के अंदर हम पानी डालते हैं, वाटरिंग इन द फ्लावर। लेकिन हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर इरिगेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंचाई करना, सप्लाई ऑफ द वाटर, सप्लाइंग ऑफ वाटर। किसको सप्लाई करेंगे बेटा हम? टू क्रॉप प्लांट्स को। कौन से प्लांट को सप्लाई करेंगे? क्रॉप प्लांट्स को। किससे करेंगे? बाय डिफरेंट मेथड। कैनाल से करेंगे, बाय रिवर की हेल्प से करेंगे, बाय वेल की हेल्प से करेंगे, ठीक है, एटसेट्रा, स्प्रिंकलर मेथड, किसी भी मेथड का यूज़ करते हुए। मतलब बाय डिफरेंट इरिगेशन मेथड, बाय डिफरेंट इरिगेशन मेथड का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? क्रॉप प्लांट्स को पानी की सप्लाई करेंगे। वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? इरिगेशन कहलाई जाती है। आगे बेटा मेरी बात समझ में? क्लियर है? ज़रूरी है, सबको पता है इरिगेशन इज़ जरूरी है, फंक्शनल है। क्यों जरूरी है? एडवांटेज क्या है? फंक्शन ऑफ द इरिगेशन। हम क्यों क्रॉप को पानी दे रहे हैं? फंक्शन ऑफ इरिगेशन। हम इरिगेशन क्यों कर रहे हैं? इरिगेशन का मतलब क्या? हम किसकी सप्लाई कर रहे हैं? वाटर है। किसकी सप्लाई कर रहे हैं? वाटर। सबको पता है वाटर इज असेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। वाटर है। वाटर के अंदर क्या आता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की सप्लाई किससे होती है? इरिगेशन से ही होगी, वाटर से ही होगी। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। भाई विदाउट वाटर क्या नहीं हो सकती है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा। प्लांट फूड नहीं बनाएगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड फ्रॉम द एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और वाटर, हम कोई फर्टिलाइजर स्प्रे करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? हम सॉइल के अंदर। तो उन न्यूट्रिएंट्स को हेल्प किसकी हेल्प से करता है? बाय द वाटर मूवमेंट से ही। वाटर के साथ साथ ही न्यूट्रिएंट का भी क्या होगा बेटा? वो प्लांट उसे अब्जॉर्ब करेगा। तो बाई अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, किस में हेल्प करेगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी वाटर क्या करता है? हेल्प करता है। जब हम वैसे फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं या सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, वो किसकी हेल्प से किसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं? वाटर के अंदर हो जाएंगे। और वाटर की हेल्प से ही क्या होगा? उनका मूवमेंट होगा प्लांट्स के अंदर। क्लियर? न्यूट्रिएंट भी किसके लिए जरूरी है? प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। आगे मेरी बात समझ में बेटा? क्या है सारे बच्चों को? तो आपको पता है इरिगेशन का मतलब क्या होगा? सप्लाइंग ऑफ वाटर। वाटर को सप्लाई करना क्रॉप प्लांट से। और क्यों जरूरी है? जो मेन न्यूट्रिएंट हमने बताए थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बताया था, वो किससे मिलेगा? वाटर से मिल रहा है। किसे मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है। और वाटर किसको डिसॉल्व करेगा? फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट को करेगा, ठीक है। और उसके हेल्प से क्या करेंगे? प्लांट उसे अब्जॉर्ब करेंगे। वाटर इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगी तभी क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी प्लांट की। क्लियर है बेटा? अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, कि हम इस इरिगेशन को टू टाइप के अंदर भी डिवाइड करते हैं। किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं? टू टाइप्स के अंदर। एक हम क्या कहते हैं? क्रॉप बेस्ड इरिगेशन कहते हैं। एक हम क्या कहेंगे? क्रॉप बेस्ड इरिगेशन कहेंगे। और एक हम क्या कह देते हैं? सॉयल बेस्ड इरिगेशन कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा? सॉयल बेस्ड इरिगेशन। आपने पढ़ भी रखा है ना 8th क्लास के अंदर भी, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर यही पढ़ रखा है इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड का मतलब क्या है? आपको पता है डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट वाटर अमाउंट। अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो होती है, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम बात करें जो पैडी क्रॉप होती है, पैडी का मतलब क्या होगा? जो राइस की क्रॉप होती है,
कौन सी क्रॉप होगी बेटा? राइस की क्रॉप। राइस क्रॉप को क्या होता है? मोर वाटर चाहिए होता है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है उसे, कंटिन्यूसली पानी की सप्लाई चाहिए होगी। सबको पता है ना पैडी पैडी का जो है राइस का है उसको कंटिन्यूसली स्टैंडिंग का मतलब जो खड़ा पानी रहता है, खड़ा मतलब जो बहके नहीं जाता उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वाटर कहेंगे। तो राइस के प्लांट को कैसा होना होता है? स्टैंडिंग वाटर। बाकी आप देखते हो व्हीट है, अगर आपने देखा है कोई शुगर केन का प्लांट है, ठीक है, या मेज़ है, मक्का है, इनको कंटिन्यूस वाटर की सप्लाई नहीं चाहिए होती है। इन प्लांट को कब चाहिए होती है? ड्यूरिंग प्लफिंग के टाइम पे हम डालते हैं ताकि क्या बेटा मॉइस्चर रहे। और मॉइस्चर वाटर किसके लिए ज़रूरी होता है? सीड जर्मिनेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। किसके लिए ज़रूरी होता है बेटा? वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए। हम प्लफिंग के टाइम पे पानी क्यों डालते? जो हम सीड डालेंगे वो पानी को क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा और जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्लफिंग चाहिए होती है इनको। जब ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब फ्लावर आते हैं तो फ्लावरिंग कंडीशन पे इनको वाटर चाहिए होता है। जब इनके अंदर ग्रेन्स आ जाते हैं तब इनको क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। कुछ को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है तो कुछ को टाइम रेगुलर के बाद में, टाइम इंटरवल के बाद में वाटर की सप्लाई चाहिए होती है। फिर अगर हम बात करेंगे सॉयल बेस्ड इरिगेशन, तो सॉयल अलग अलग, जैसे सैंडी सॉयल होती है आपने पढ़ी होगी, एक होती है क्लेई सॉयल होती है, क्लेई सॉयल जो सैंड मतलब इसके अंदर सैंड है, सैंड पोरस नेचर की होती है, इनके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एब्सेंट होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए सैंडी सॉइल रिक्वायर मोर वाटर, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। और सैंडी सॉइल पे हम जनरली कोई क्रॉप जनरली ग्रो भी हम नहीं करवाते हैं, बिकॉज ये क्या करती है? रूट को भी होल्ड नहीं रख सकती है। क्लेई सॉइल के अंदर, क्लेई सॉइल को लो वाटर की रिक्वायरमेंट है, चिकनी मिट्टी होती है, पानी को मॉइस्ट करके रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेस्ट होती है इनके अंदर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेस्ट होती है। बट हम इस क्लेई मिट्टी को भी यूज़ नहीं करते हैं ग्रो करवाने के लिए। जो हमारे अंदर कॉमनली जो सॉइल यूज़ करते हैं, हम लॉमी सॉइल यूज़ करेंगे। बेटा सॉइल आपका टॉपिक आता है नेचुरल रिसोर्स के अंदर, वहाँ मैं आपको सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लॉमी सॉइल के बारे में बताऊंगी। सैंडी मतलब साइज, सॉइल का पार्टिकल बड़ा होता है, इसमें सॉइल का पार्टिकल सबसे छोटा होता है, इसके अंदर क्या होंगे? मीडिएटर होगा। तो वहाँ पे द बेस्ट सॉइल कौन सी होती है जो हम ग्रो करेंगे? वो लॉमी सॉइल होती है। इसको नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा। तो सॉइल बेस्ड इरिगेशन है, हमें क्रॉप ग्रो करवानी पड़ जाती है सैंडी सॉइल में, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पानी इरिगेशन देना पड़ेगा कोई भी क्रॉप होगी। जो क्लेई सॉइल में अगर हम करवा रहे हैं उसको बिल्कुल कम पानी को रिक्वायरमेंट होगी, और लॉमी सॉइल में हम क्या करवाते हैं? नॉर्मल। एंड द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांटेशन लॉमी सॉइल होती है बेटा ये। क्लियर? आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ये मोस्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड आपने हमेशा पढ़ भी रखा होगा। इरिगेशन तो एक नॉर्मल है ही आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टू टाइप्स बता दिए इरिगेशन को, एक किसके ऊपर डिपेंड रहती है? क्रॉप के ऊपर डिपेंड रहेगी, और एक किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? सॉइल के ऊपर। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो पैडी क्रॉप, राइस की क्रॉप वहाँ ग्रो करवाई जाती है जहाँ एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर है। तो हमारे हरियाणा में अगर हम बात करेंगे करनाल की साइड, यमुनानगर की साइड, क्या होता है बेटा हमारे पास वहाँ पे पानी अबंडेंट है सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे कंटिन्यूस पानी की सप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर हम साउथ के अंदर बात करेंगे तो वहाँ भी पानी, मॉनसून अच्छी आती है, बारिश का पानी भी अच्छी है, तो वहाँ पर भी मोस्टली हम क्या करवाते हैं? राइस की क्रॉप ग्रो करवाते हैं पंजाब वगैरह के अंदर। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे बात समझ में? तो आपको जनरल याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं इरीगेशन मैथड्स पर। किसके ऊपर आ जाएंगे बेटा? अब हम इरीगेशन मैथड्स पर आ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इरीगेशन मैथड हमारे इंडिया के अंदर बात करेंगे बेटा, तो 12 रिवर बेसिन, आपको सबने पढ़ा रिवर बेसिन जो रिवर्स हैं, और 8 क्या है? कंपोजिट रिवर बेसिन है बेटा, तो मिक्स में है, समुद्र वगैरह में मिलते हैं वहाँ पे। तो हमारी इस तरह से ये क्या है? रिवर। क्योंकि हमारी मोस्टली यहाँ से हम रिवर की हेल्प से क्या करते हैं? इरीगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट इरिगेशन मेथड आते हैं, तो आपको जनरल याद रख लेना है। देखो अगर हम बात करेंगे तो हमारे रिवर हर जगह से बहके नहीं जाती है, रिवर हर जगह से बहके नहीं जाएगी। फिर अगर हम बात करेंगे बेटा हमारे यहाँ पर जहाँ पे संसाधन मिल जाते हैं, रिसोर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे तो इरिगेशन उनसे करवा ले जाती है। बट हमारे इंडिया के अंदर 45% क्रॉप प्रोडक्शन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है
वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन रेन वाटर। हमारे यहाँ पर जो जो डिपेंड करेगी हमेशा बारिश के पानी पे ही डिपेंड करेगी। अब तो हमने सोर्स कर लिए हैं, अब तो हमारे पास हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती कि ना रिवर है, वहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट कंडीशन आ जाती है, वहाँ पे हमारी क्रॉप नहीं होती, डैमेज। आप देखते हो ना मानसून पीरियड महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, रिवर वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे इरीगेशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर बारिश का आता है तो वहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है, अगर बारिश नहीं आती है तो वहाँ की पूरी फसल क्या होती है, ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। आप देखते भी हो बेटा कि वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड करते हैं, उसका मेन रीज़न यही होता है कि बारिश ना आने के कारण उनको इरीगेशन नहीं होगी, एंड विदाउट इरीगेशन हमारी सारी मेहनत क्या हो जाती है, ख़राब हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो 45% क्रॉप प्रोडक्शन मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेन के ऊपर। अगर बारिश नहीं आएगी तो सूखा पड़ जाएगा, क्रॉप से डैमेज हो जाएगी। बट हमारे पास में रिवर है, काफ़ी इरीगेशन मेथड्स हैं, तो आपको जनरल याद रखना है इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो इरीगेशन हो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोस्टली बारिश के पानी पे डिपेंड करेगी, रेन वाटर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब अगर हम नॉर्मल बात करेंगे इरीगेशन मैथड्स के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे कैनाल मैथड, ठीक है बेटा, फिर हम बात करेंगे टैंक मेथड, फिर हम बात करेंगे वेल मेथड, ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे रिवर मेथड बाय यूज ऑफ द रिवर से, फिर अगर हम बात करेंगे तो आजकल जो यूज किया जाता है वो स्प्रिंकलर मेथड, एंड सिक्स्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ड्रिप इरिगेशन मेथड, क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन मेथड हो जाएगा, ओके बेटा। तो डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, मोस्टली आप भी देखते हो हम जो यहाँ पे यूज करते हैं कैनाल या वेल मेथड। हमारे पास हरियाणा में अगर हम बात करेंगे पानी वहीं से लिया जाता है, बट हम हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड यूज़ करेंगे। पानी का लिया तो वही जाएगा लेकिन स्प्रिंकलर होते हैं उसके अंदर। कैनाल मेथड का मतलब क्या होता है, कैनाल किससे ली जाती है, रिवर से आती है, भाई जो पास में कोई रिवर बह रही है उससे कैनाल नहर निकाल दी जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, ब्रांचेस ये कैनाल निकाली गई, इमेजिन करो इंदिरा गांधी कैनाल है, फिर वहाँ पे पूरा इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में पूरा ग्रीनरी का रीजन इंदिरा गांधी कैनाल बनाया है बेटा, ठीक है, तो वो क्या वहाँ से फिर ब्रांचेस निकाल दी जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच कैनाल कह देंगे। ब्रांच कैनाल से और भी कैनाल बना दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कह देंगे इसे हम। तो इस तरह से यहाँ रिवर से कैनाल में आया क्योंकि रिवर हर जगह नहीं बह रही है, ठीक है, जो राजस्थान के अंदर याद रखना बेटा, क्योंकि नदियाँ सूख चुकी है वहाँ पे नहीं है, तो इरिगेशन में जो इंदिरा गांधी कैनाल लार्जेस्ट कैनाल भी आती है वो वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे क्या होती है बेटा, छोटी छोटी कैनाल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके ब्रांचेस कैनाल, ब्रांचेस कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरिंग कैनाल आती है और वो खेतों के अंदर खेतों के अंदर बना देते हैं, ताकि और वहाँ से पानी, आजकल हमारे पास टेक्निक है, पहले तो आपने देखो आपने जो 8th class के अंदर पढ़ा है वो डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड पढ़े हैं, बुलीज मेथड पढ़ा है, इसमें क्या होता था एनिमल की हेल्प से, ठीक है, वो क्या करते थे वहाँ से पानी को निकालते थे बाल्टी की हेल्प से, बकेट की हेल्प से, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। बट आज हमारे पास क्या है, मोटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी हेल्प से हम इरीगेशन कर देते हैं। बट कैनाल का यूज़ करेंगे उसे हम कैनाल इरीगेशन मैथड कह देंगे। टैंक का यूज़, काफ़ी जगह क्या होते हैं जो स्लॉपिंग एरियाज होते हैं बेटा, जहाँ पे स्लॉप बने हुए होते हैं वहाँ पे क्या छोटे छोटे टैंक्स बना दिए जाते हैं, क्या होते हैं बेटा टैंक्स, यानी कैचमेंट भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो एरिया हो गया इसे हम कैचमेंट एरिया कह देते बेटा, यहाँ बारिश का पानी बह के आएगा और ये टैंक बना देंगे, तो इन टैंक्स के अंदर पानी इकट्ठा होता रहेगा और इस टैंक से फिर पानी को ले लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मोटर की हेल्प, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मोटर से यूज मोटर का ही होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, टैंक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इन्हें, टैंक कहेंगे। हम चेक कंटिन्यूस बनते हैं ना उन्हें हम चेक डैम्स भी कहते हैं, ये चेक डैम्स वगैरह बेटा हमारे 10th class के अंदर आता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड वहीं बताएंगे, हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ओके बेटा। तो ये याद रख लेना, टैंक की हेल्प से होगा, टैंक मेथड होगा। वेल मेथड का मतलब होता है कुआं। अब हम दो तरह का करते हैं, एक हम क्या कहेंगे डग वेल मेथड कहेंगे, और एक हम क्या कहते हैं ट्यूब वेल कहते हो, आप कहते हैं ना ट्यूब वेल लगा लिया है, ट्यूब वेल। तो आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, ट्यूब वेल। डग का मतलब क्या होता है, चौड़ा सा कुआं खोदते थे,
पहले हमारे पास वही साधन नहीं थे, साधन नहीं थे तो हम ऐसे यूज करते थे कि पानी जहाँ पे लेवल पानी का कम है वहाँ पे हम क्या करते हैं गहरा गड्ढा खोदता हुआ चले जाते हैं, चौड़ा जैसे हम क्या कहेंगे डग वेल कहेंगे, और वहाँ से हम पानी को वही एनिमल की हेल्प से लेते थे। बट आजकल हम मोटर का यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, चौड़े खोदे जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे डग वेल। आजकल से आप समर्सिबल पाइप कह देते हो, समर्सिबल कहते हैं ना हमारे खेत में समर्सिबल पाइप लगाया, घर में भी लगा लेते हैं, इसमें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोटर को अंदर ही अंदर उसमें खोदा नहीं जाता, उसमें फिट किया जाता है, जहाँ पे पानी का लेवल होगा वहाँ पे कर दिया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जाता है उसे हम मोटर को निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या कहेंगे डग वेल मेथड एंड ट्यूब वेल मेथड कहेंगे। क्लियर है बेटा। रिवर, जिनके आसपास रिवर है तो डायरेक्ट ही वो रिवर से वाटर को ले लेते हैं, इसे रिवर लिफ्ट मेथड कहते हैं, जो डायरेक्ट रिवर से ले लेते हैं बेटा, डायरेक्ट रिवर से वाटर को, आसपास नदी बह रही है, खेत का एरिया पूरा का पूरा आसपास बड़ी सी नदी बह रही है, मोटर की हेल्प से क्या करेंगे इस तरह से लगा लेते हैं और वहाँ से क्या ले लेंगे बेटा पानी को ले लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे रिवर लिफ्ट मेथड कहेंगे। एक अगर आपने पढ़ाओ रिवर वैली मेथड पढ़ाओ बेटा, ये जनरली हमारे यहाँ पे कर्नाटका एंड केरला के अंदर करवाया जाता है। आपने जहाँ पे वेस्टर्न घाट सुना है ना, वेस्टर्न घाट पहाड़ है उन पे पूरा का पूरा ग्रीनरी है, वैलीज हैं, वैलीज का मतलब समझते हो ना सारे बच्चे, वैलीज तो बारिश का जब पानी आता है वहाँ पे अबंडेंट बहुत ज़्यादा बारिश आती है। ठीक है, 5 मंथ अराउंड क्या होती है वहाँ पे बारिश आती रहती है, जब वो बारिश आती है तो छोटी छोटी वैलीज के अंदर छोटी छोटी रिवर लाइक बन जाती है, पानी इकट्ठा होता रहेगा, तो उस रिवर को जब बारिश नहीं आती है तो उसको किस में यूज़ करेंगे इरीगेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये तो रिवर है, रिवर से पानी को लिया गया, रिवर वैली का मतलब क्या होता है जो वैलीज बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े पहाड़ से इस तरह से बारिश आया, ये थोड़ा सा एरिया तो यहाँ पानी इकट्ठा होता रहेगा रिवर की फॉर्म में, और यहाँ से फिर क्या लिया जाता है बेटा इसे, इसको इरीगेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे रिवर वैली मेथड कहेंगे, जो कर्नाटका केरला के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर स्प्रिंकलर मेथड आ गया, बिकॉज ये मेथड हम यही मेथड यूज़ करते ट्यूबवेल, लेकिन आपने कभी देखा है ट्यूबवेल से अबंडेंट पानी आएगा, ये हमारा पूरा का पूरा खेत है, ठीक है हमारा फील्ड है, यहाँ पे पानी आया तो हम यहाँ पे पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे वाली क्रॉप्स को तो बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है, पीछे पीछे जाते हैं हमारे पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और आगे एकदम से बहाव से पानी आता है तो वाटर लॉगिंग अगर आपने कभी नाम सुना है, एकदम पानी के तेज़ बहाव से फसल गिर जाती है, हम क्या कहेंगे वाटर लॉगिंग कंडीशन कह देते हैं, क्या कह देते उसे वाटर लॉगिंग कंडीशन कह देंगे, तो यहाँ से थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब क्या आ गया स्प्रिंकलर मेथड आ गया, क्या आ गया स्प्रिंकलर मेथड, ये स्प्रिंकलर मेथड हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर अबंडेंट यूज़ करते हैं बेटा, किसे यूज़ करते हैं अबंडेंट, एंड द मोस्ट अबंडेंट यूजेबल मेथड जो होता है आज की तारीख में वो कौन सा है स्प्रिंकलर मेथड। इसके अंदर पानी की वेस्टेज नहीं होती है, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, क्या नहीं होगा बेटा पानी का वेस्टेज नहीं होता। आप सब देखते हो कि खेत के अंदर हमारे फील्ड के अंदर होता है, हम यहाँ पाइप बिछा देते हैं प्लफिंग के बाद में, और यहाँ पे ये हमारा ट्यूबवेल से कनेक्ट है, यहाँ पे कहीं से भी पानी ले लेंगे, हमने चालू किया और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे स्प्रिंकलर, वो गोल गोल घूमते रहेंगे और हर एक क्रॉप को एक रेगुलर अमाउंट के अंदर पानी मिलता रहेगा और वेस्टेज भी नहीं होगी। यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा हमने छोड़ देते हैं, लास्ट तक पहुँचते हैं, आगे की क्रॉप को बहुत पानी मिल जाता है और यहाँ पे पानी बर्बाद ज़्यादा होता है। तो आज की तारीख में जब हम यूज़ करेंगे स्प्रिंकलर मैथड इज़ यूज्ड, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द इरीगेशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्प्रिंकलर क्रॉप के लिए। ड्रिप इरीगेशन इज ऑल्सो यूज अबंडेंट, बट अगर हम हमारे यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर, झारखंड के अंदर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, एंड ड्रिप इरीगेशन मेथड जनरली यूज फॉर द वेजिटेबल क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ड्रिप टू ड्रिप, आपने कभी ग्लूकोज चढ़ाई है, ड्रिप ड्रिप टू ड्रिप आता है उसके अंदर, तो सेम यहाँ पे भी जो पानी निकलेगा वो ड्रिप टू ड्रिप आता है, जैसे ड्रिप आता है ना ड्रिप से, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया ड्रिप इरीगेशन मैथड दिया गया, क्या नाम दिया गया ड्रिप इरीगेशन मैथड नाम दिया गया, किस तरह, क्योंकि क्या होता है बेटा
ये तो ऊपर की तरफ, स्प्रिंकलर में तो फवारे से चलते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ। यहाँ पे जैसे कि हमारी मेन ये क्रॉप होगी, कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी कुछ लगा लो, तो इसके नीचे इस तरह से हम क्या करते हैं, पाइप लगा, सीरीज टाइप में छोटी छोटी पाइप लगा देंगे, और यहाँ पे ओपनर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक एक ड्रॉप क्या होती रहेगी, ओपन होती रहेगी। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन मेथड कह रहे हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल क्रॉप एंड फ्रूट क्रॉप के लिए थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होता है, रेगुलर चाहिए होता है, इससे कंसंट्रेशन वहाँ पे बनी हुई रहती है, ठीक है। आजकल क्या करने लगे, एक आएगा फ्रिटिगेशन को याद रख लेना बेटा, फ्रिटिगेशन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में हम क्या कर देते हैं, आपने कभी देखा है ग्लूकोज चढ़ाते हैं, कोई दवाई देते हैं तो उस ग्लूकोज के अंदर वो दवाई डाल देते हैं सीधा इफेक्ट ना करके, भाई वो ज़्यादा नुकसान करेगी, ज़्यादा वो करेगी, अमाउंट भी ज़्यादा चली जाएगी, तो क्या करते हैं ग्लूकोज के अंदर सिरिंज लगा देंगे, वो ड्रिप से आती रहेगी, वो बॉडी में चढ़ती रहेगी। इन द सेम वे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को स्प्रे ना करके, फर्टिलाइजेशन को किसके अंदर डाल देते हैं बेटा, किसके अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर, और किसकी हेल्प से, ड्रिप इरिगेशन की हेल्प से क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, हर एक क्रॉप को फर्टिलाइज भी मिलता रहेगा। तो इसे हम क्या नाम देंगे, फर्टिगेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्टिगेशन, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द ड्रिप इरिगेशन मेथड इज नॉन एज फर्टिगेशन, क्या कह रहे हैं, फर्टिगेशन। हमने क्या कर दिया कि इस तरह से दोनों चीज़ों में उन पे फर्टिलाइजर स्प्रे भी ना करना पड़े, तो उसी पानी के अंदर जहाँ से वो पानी आ रहा है जिसमें वो ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं उसके अंदर क्या दे देते हैं बेटा, फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे, उस ड्रिप इरीगेशन के साथ में फर्टिलाइजर भी प्लांट्स को मिलता रहेगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, फर्टिगेशन कहलाई जाती है। एंड ड्रिप इरीगेशन मोस्टली एंड मोस्टली यूज़ हमारे इंडिया में फिर भी कम यूज़ किया जाता है, अमेरिका हो गया, ठीक है, जो भी जापान वगैरह हो गए वहाँ पे क्या किया जाता है, मैक्सिको सिटी के अंदर मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, ड्रिप इरीगेशन, और इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर वेजिटेबल एंड द फ्रूट क्रॉप्स। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, एनी डाउट किसी बच्चे को, या आपने पढ़ भी रखा है तो ये हमने आज में क्या कर लिया बेटा, इरिगेशन मेथड्स पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं बेटा हमने यहाँ पे, ये इरिगेशन मेथड पढ़ लिए हैं, क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कंसर्न करें, ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर दे दिया करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या बात की बेटा, इरिगेशन, हमने हमारे वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर, किसको सप्लाई कर रहे हैं हम, क्रॉप प्लांट्स को सप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इरिगेशन, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हुए वो क्या कहलाई जाएगी, इरिगेशन कहलाई जाएगी, ठीक है। इरिगेशन मैंने कहा भाई क्यों जरूरी है, वाटर इज़ रिक्वायर्ड H&O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए, वाटर मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करेगा सीड, जिससे वो सीड जर्मिनेट करेगा, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, तो हमारी फिर आगे का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर हमने बात की वाटर इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगी तभी उसको फूड मिलता रहेगा प्लांट को, और प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। रूट की ग्रोथ के लिए भी वाटर इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर फर्टिलाइजर्स हम स्प्रे कर रहे हैं तो जो न्यूट्रंट अब्जॉर्व होते हैं वो किसकी हेल्प से होंगे, वाटर की हेल्प से, इसलिए हम क्या करते हैं, इरीगेशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने फिर दो मेथड बताए, एक हमने क्या कहा क्रॉप बेस्ड होती है, और एक हमने क्या कहा सॉयल बेस्ड होती है, किसी क्रॉप को ज़्यादा चाहिए होती तो किसी क्रॉप को कम चाहिए होगी, किसी सॉयल को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती तो किसी को कम चाहिए होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात की, डिफरेंट इरिगेशन मेथड, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो मोस्टली क्रॉप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमने डिफरेंट मेथड पढ़ लिए, हमने क्या पढ़ा, कैनाल पढ़ा, हमने टैंक्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा बेटा, वेल पड़े, वेल के अंदर आपको पता लग गया डग वेल, कुएं जिसे हम बोलते हैं, और एक क्या होता है बेटा ट्यूब वेल होता है, क्या होता है ट्यूब वेल होता है। वेल के बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा, रिवर पढ़ा, रिवर के अंदर भी हमने एक डायरेक्ट रिवर लिफ्ट वैली लिफ्ट पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा बेटा रिवर वैली मैथड पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, रिवर वैली मेथड के बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्प्रिंकलर मेथड पढ़ा, द बेस्ट मेथड ऑफ द इरिगेशन, तो आपका आंसर क्या होगा स्प्रिंकलर। और ड्रिप हम जनरली यूज़ नहीं करते यहाँ पे, और करते भी तो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, फ्रूट के लिए एंड वेजिटेबल्स के लिए ही यूज़ करते हैं बेटा। और फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी यहाँ पे, फर्टिगेशन, ये टर्म भी याद कर लेना, फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ या एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फर्टिलाइजर्स इन वाटर इन इरीगेशन मैथड, ठीक है, इन वाटर
फॉर ड्यूरिंग इरीगेशन, कब यूज़ कर रहे हैं मैडम इसे? ड्यूरिंग इरीगेशन के ड्यूरिंग पे यूज़ कर रहे हैं। और जनरली किसके अंदर यूज़ की जाती है? ड्रिप इरीगेशन मैथड के अंदर ही यूज़ की जाती है। इसे हम क्या नाम देंगे? फर्टिगेशन कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है जो एडिंग हम फर्टिलाइजर यूज़ करें इट इज नॉन एज द, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे? फर्टिगेशन। और किसके अंदर यूज़ करेंगे हम? मेनली ड्रिप इरीगेशन मैथड के अंदर यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई भी डाउट है तो किसी भी तरह का तो आप प्लीज़ मुझसे बताना। ठीक है, ओके।